हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला चैप्टर चल रहा है, जो कि लास्ट चैप्टर है अगर बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की बात करें। इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और अनअर्ड इनकम का क्या एडजस्टमेंट होता है फाइनल अकाउंट के साथ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में, वो सीखा था। आज हम तीन पॉइंट और करेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर करेंगे हम बैड डेब्ट्स, और फिर करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी कि तीन चार पॉइंट आज भी हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। 11th क्लास के अंदर अगर आप अकाउंटेंसी ले रखा था तो डेप्रिसिएशन का एक अलग ही चैप्टर आता है। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का डेप्रिशिएट होना, यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना, यानी कि कम होना। अब किसी भी एसेट नहीं, यहां पर एसेट आती है ओनली फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर आता है लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग दोनों साथ में तो लगेगा, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, मशीनरी पे लगता है, प्लांट पे लगता है, फर्नीचर पे लगता है। जो फिक्स एसेट्स होती है उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मोटरसाइकिल या कार है ना, फोर व्हीलर बाय करके लेके आते हैं शोरूम में, आपने जो है उस बाइक को या उस मोटरसाइकिल को या किसी भी एसेट को, फ्रिज को, टीवी को आपने बाय किया, कैमरा या मोबाइल जो भी है आपने उसको बाय खरीद लिया, अब आप उसको ऑफिस में लेके आते हैं या अपने घर लेके आते हैं, और अगर उसको दूसरे दिन सेल करना चाहते हैं तो क्या वो उतने में ही सेल होगा जितने में आपने खरीदा है? नहीं। शोरूम से बाहर आते ही उसकी प्राइस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो फिक्स एसेट्स जो होती है उसकी प्राइस डिक्रीज होती है कई सारी वजह से। उसकी प्राइस डिक्रीज होती है यूज़ की वजह से, क्योंकि आपने उसका यूज़ किया है। उसकी वैल्यू यानी कि उसकी प्राइस डिक्रीज होती है क्योंकि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, फैशन चेंज हो गया या वो पुराना हो गया, तो बहुत सारी रीजंस की वजह से फिक्स एसेट्स जो होती है उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू कम होती है, और उस वैल्यू को हम जितने में खरीद रहे हैं उसकी राइट एकदम करेक्ट वैल्यू दिखाने के लिए हम उसमें से हमेशा थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेस करते रहते हैं, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसकी एंट्री बहुत आसान है। इसकी एंट्री होती है, देखो डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है हमारे लिए क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक लॉस है, और ये लॉस की वजह से आपकी एसेट भी क्या होती है, इस लॉस की वजह से आपकी एसेट भी क्या होती है, डिक्रीज। और मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर एसेट डिक्रीज होती है तो एसेट को करना होता है क्रेडिट, तो हम यहां लिखते हैं टू फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स का मतलब यहां पर हमेशा फिक्स एसेट नहीं आएगा। अगर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाएगा। अगर आप मशीन पे लगा रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर बात करें कि इसको हम फाइनल अकाउंट में कहां दिखाएंगे, तो फाइनल अकाउंट में एक आता है आपका पीएनएल अकाउंट और एक आता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये यहां बना देता हूं बैलेंस शीट, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो पीएनएल में अब ये लॉस है तो इसको यहां दिखा देते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लॉस है, तो यहां डेबिट में दिखा देते हैं टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिक्स एसेट्स में क्या करते हैं, जैसे यहां पर फिक्स एसेट्स जो आपकी लिखी होगी, ठीक है, एसेट साइड में यहां पर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उसको बाहर लिखते हैं। तो दो ट्रीटमेंट है, एक डेप्रिसिएशन जितना है, जैसे आपकी एसेट जो है वो 5000 से कम हो रही है तो 5000 रुपीज यहां आ गया, एक तो 5000 रुपीज यहां लिखोगे पीएनएल में, और एक जो आपकी एसेट है, मान लेते हैं एसेट है 50 की, उसमें से 5000 क्या कर लोगे आप, लेस कर लेंगे डेप्रिसिएशन की, तो 45000 बाहर आ जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है सिंपल सा डेप्रिसिएशन का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होता है वो समझना। बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स जो है यहां मतलब डेटर से है, और डेटर कब क्रिएट होते हैं, कब जनरेट होते हैं, जब हम किसी को भी उधार सेल करते हैं, है ना, हम मतलब बिजनेस, हमारा बिजनेस अगर किसी को भी उधार सेल कर रहा है, उधार सेल, ये पॉइंट नंबर आपका सिक्स्थ हो गया बैड डेब्ट्स। जब भी किसी को उधार हम सेल करते हैं, उधार बेचते हैं, और सामने वाले ने हमें पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला हमारा डेटर होता है, और डेटर हमारी एसेट होती है। बट बहुत सारे डेटर ऐसे होते हैं जो बैड होते हैं, यहाँ पर डेब्ट्स का मतलब डेटर से हैं, और बैड्स का मतलब, बैड मतलब बुरे, ऐसे डेटर जो बुरे हैं। अब बुरे क्यों हो गए भैया, कोई भी बैड डेटर जो है वो बुरे क्यों हो गए, कोई भी डेटर बैड डेब्ट्स क्यों हो गए,
वो बैड डेब्ट्स इसलिए हो गए क्योंकि वो आपका पैसा आपको नहीं दे रहे हैं, आपने उनको उधार सेल कर दिया, उधार जो है गुड्स बेच दिया उनको, आप उनसे पैसे मांगते हो लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जो डेटर हैं जो हमसे गुड्स उधार ले गया था वो मिल ही नहीं रहा है, वो लापता हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत ढूंढ लिया, बहुत फोन ट्राई कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है, वो भाग गया, हमारा पैसा खा गया वो, तो उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये बैड डेब्ट्स जो होते हैं ये आपके लिए लॉस होता है, सिंपल सी बात है, लॉस ही होगा ना, क्योंकि आपका पैसा डूब गया तो लॉस है, तो लॉस डेबिट होता है एज पर नॉमिनल रूल, तो हम बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये पहला पॉइंट। और दूसरा ये है कि मैंने बोला था डेटर हैं ये, और डेटर जो है वो डूब गए हैं, यानी कि डेटर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो डेटर एक एसेट होती है, और जब भी आपका बैड डेब्ट्स होगा यानी कि आपके डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डेटर डिक्रीज दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो डेटर नाम की एसेट है, आपने किसी को 1,00,000 रुपये का गुड सेल कर दिया तो वो आपका डेटर हो गया, उधार सेल किया है, अब आप एसेट साइड में 1,00,000 रुपये के डेटर दिखाएंगे। अब ये डेटर कम कब होंगे, यानी कि वो एसेट खत्म कब होगी, या तो सामने वाला आपको पैसा दे दे 1,00,000 रुपये दे दे, या फिर वो आपका पैसा खा जाए यानी कि पैसा डूब जाए, तो दोनों ही केस में डेटर कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और डेटर एक एसेट है, एसेट को डिक्रीज करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। मॉडर्न रूल आपको याद ही होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने मॉडर्न रूल ही सिखाया था। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो बेटा मैं ये बोलूंगा, प्लेलिस्ट बन रखी है बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस प्लेलिस्ट में 17-18 वीडियो है, वो पूरा देखिए, पूरी अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट के अंदर, तो एक तो इसको दिखाया जाता है पीएनएल अकाउंट में, और एक दिखाया जाता है इसको बैलेंस शीट में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे इसको, आप सिंपल सी बात है, ये लॉस है तो डेबिट में दिखाएंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, तो देखिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखे होते हैं डेटर, उसमें से जो भी बैड डेब्ट्स हुआ है वो लेस कर देंगे बैड डेब्ट्स, अगर लेस पहले से नहीं किया हुआ है तो। अगर पहले, यहाँ एक और चीज़ आती है, बैड डेब्ट्स लेस करने होते हैं, लेकिन अगर बैड डेब्ट्स पहले से ही लेस किए हुए हैं, कई बार क्या होता है डेटर क्लोजिंग डेटर का बैलेंस दे रखा होता है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस दे रखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें से बैड डेब्ट्स पहले ही लेस हो चुके हैं, तो अगर पहले से ही लेस हुए हुए हैं तो फिर नहीं करेंगे, दो बार लेस नहीं करेंगे। ये पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे चलता है कि डेटर कब के दे रखे हैं, अगर डेटर ओपनिंग दे रखे हैं तो लेस करना पड़ेगा, लेकिन डेटर क्लोजिंग दे रखे हैं, ईयर एंड के डेटर दे रखे हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है, तो फिर आपके उसमें से बैड डेब्ट्स पहले से ही लेस हो जाते हैं, फिर आपको यहाँ लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इधर दिखा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये तो पैसा डूब गया था, ठीक है, अब आता है अगला, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स। कई सालों से जब बिजनेस करते हैं ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हर साल इतने पैसे तो डूबेंगे डूबेंगे, क्योंकि आजकल बिजनेस जो है उधारी पे ज्यादा चलता है, तो कुछ ना कुछ डेटर ऐसे होते ही होते हैं जो पैसा नहीं देंगे, वहाँ पैसा डूबने का चांस होता है, तो जो कंफर्म हो गया कि डूब गए वो तो ठीक है, लेकिन कुछ डाउटफुल्स भी होते हैं ना, कुछ तो कंफर्म होता है कि हाँ ये तो गया, ये पैसा नहीं देगा, तो वो तो बैड डेब्ट्स हो गया, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन वाला होता है, कॉन्टीजेंट होते हैं, संदिग्ध होते हैं कि यार लग रहा है डूब भी सकते हैं, आनाकानी कर रहा है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसका प्रोविजन बना देते हैं जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, डाउटफुल मतलब संदिग्ध, डाउट है कि पैसा देंगे या नहीं देंगे उसके ऊपर डाउट है हमें, तो ये जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं इनका हम क्या बना देते हैं, प्रोविजन बना देते हैं, हम मान लेते हैं कि हो सकता है पैसा डूब जाएगा, तो पहले से ही इसको लॉस लेके चलो, और अगर इसको पहले से ही लॉस लेके चलेंगे तो ये भी लॉस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इसकी वजह से डेटर कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो टू डेटर कर दो। अब इसको वही फाइनल अकाउंट में कहां दिखाएंगे, तो एक पीएनएल अकाउंट और एक हमारा बैलेंस शीट।
पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको वही डेबिट में दिखाएंगे, यहां पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहां दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है उसमें जो आपके डेटर दे रखे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उस डेटर में से बैड डेब्ट्स भी लेस होता है और प्रोविजन भी लेस होता है। फिर वो बाहर लिखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां ना लिख के इसको लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। डेटर तो इधर ही लिखते हैं लेकिन डेटर में से लेस ना करके प्रोविजन इधर लिख देते हैं, तो वो भी करेक्ट है, वो भी एक अकाउंटिंग का तरीका है, लेकिन आप यही रखें जो ज्यादा सही रहेगा। ओके, फिर आते हैं आपके लास्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब यह क्या होता है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पॉइंट नंबर 8, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये क्या होता है, ये भी जरूरी है। जैसे हमने उधार सेल कर दिया, क्रेडिट पे सेल कर दिया, सामने वाला हमारा डेटर है 1,00,000 रुपए का, उसको सेल कर दिया, अब हमें लगता है कि वो पैसे नहीं दे रहा है, तो अब उससे पैसे निकलवाने का तरीका क्या है। एक तो उसको कॉल करें लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हमको पता है उसके पास पैसे तो है लेकिन वो दे नहीं रहा है। अगर उससे पैसे निकालने हैं तो एक तरीका ये भी है कि उसको डिस्काउंट दे दो, उसको कॉल करो और बोलो अगर आज तुम पेमेंट कर देते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि तुम 1,00,000 रुपये हम तुमसे मांगते हैं और तुम 90 दे दो बस, 10,000 माफ, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो कंपनीज को पता होता है, बिजनेस को पता होता है कि कई बार डिस्काउंट देना पड़ता है तभी पैसा आता है, तो कंपनी उस डिस्काउंट भी देना है, यानी कि अब जैसे मैंने आपको बताया 1,00,000 रुपए आने थे लेकिन 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे तो 90,000 रुपए आएंगे ना, तो 10,000 का लॉस ही हुआ। तो कंपनी पहले से ही मान के चलती है, पहले से ही डिस्काउंट का प्रोविजन बना दो कि इतना तो डिस्काउंट कम से कम देना ही पड़ेगा, तो उसका डिस्काउंट दिया नहीं है लेकिन उसकी प्रोविजन पहले से ही बना देते हैं कि इतना तो देना ही पड़ेगा कन्फर्म में, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे कि कितना दिया कितना नहीं दिया, एक बार तो प्रोविजन बना दो, तो ये भी लॉस है। तो इसकी एंट्री भी यही होगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, और इससे भी डेटर डिक्रीज होंगे तो टू डेटर्स अकाउंट, और इसको भी ऐसे ही दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो प्रैक्टिकल पार्ट में ही समझ में आएगा, अभी मैं नहीं बता सकता आपको। यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और इधर जो बैलेंस शीट है उसमें जो डेटर अमाउंट होगा उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बस, और फिर जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लिख देंगे। तो ये सिंपल से प्रोविजंस बताए हैं, मेन तो बेटा ये ठीक है आप समझ लिया, आप इसको नोट कर लेंगे, बट मेन चाहिए इसके ऊपर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का तरीका एक है, एक आप खुद सेल्फ कर सकते हैं और एक आप हमसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लास लेने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर उसकी फ़ी है वो पे करनी होती है। फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर हम कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको बाय भी कर लिया है और हमसे पढ़ते भी हैं। तो आप भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा एक हमारे स्टूडेंट है जिनका कमेंट आया था और उनको कुछ डाउट है, तो उन्होंने बोला भी था कि सर आप वीडियो के अंदर जब रिकॉर्ड करो तब आप इसका आंसर करना। इनका नाम है पल्स रॉय, और जो पल्स है इन्होंने बोला है, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ आपके नाम का, ठीक है। तो रॉय जो है वो बोलते हैं कि वे आसाम से हैं और उनकी कॉलेज का जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उसका सिलेबस और आप जो करा रहे हैं, यानी कि जो मैं वीडियो के अंदर करा रहा हूँ, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। आई थिंक जो उन्होंने बोला मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ ये आती है कि देखिए, सबसे पहले आप अपना जो सब्जेक्ट है उसका हर यूनिवर्सिटी एक सिलेबस देती है, ठीक है। अगर वो सिलेबस हमारे वीडियो से मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके सिलेबस के अंदर जर्नल एंट्री है, लेज़र है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, तो उसकी थ्योरी भी आपकी होगी, बिल्कुल होगी, आप 100% कर सकते हैं।
आपके जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो रॉयल्टी है, ब्रांच है, डिपार्टमेंटल अकाउंट है, पार्टनरशिप है या फिर कंपनी है। तो जो यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, अगर वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड कराया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो सब थ्योरी या वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बट अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक ही नहीं है, वो जो चैप्टर है वो चैप्टर ही नहीं है, तो फिर आपके नहीं आएगा। लेकिन 99% जो है वो सेम ही होता है, इसीलिए आप आराम से इन थ्योरेटिकल टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में है, जो आपकी कॉलेज में है और जो हम करा रहे हैं। और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में भी यही है, अगर सब्जेक्ट मैच कर रहा है, सब्जेक्ट का नाम मैच कर रहा है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम वही करा रहे हैं तो आप भी वही करेंगे, ठीक है, पर फिर भी आप उस चैप्टर का नाम और सिलेबस को मैच जरूर करें। ओके, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।